पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद से जब लखीमपुर में बलात्कार की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दो दलित युवतियों के साथ बलात्कार हुआ था और वो पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, उनकी मौत हो गई। अब जिन लोगों ने यह अपराध किया है, जाहिर है उन्हें सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अगर वो मुसलमान हो तो उन्हें चौराहों पर आधा आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए, ये सजा दी जाए ताकि कोई आगे से दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे। से दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं और नए युग आते हैं। जब नए युग आते हैं तो तहजीबें बदलती हैं, संस्कार बदलते हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदलते हैं। कोई नई बात नहीं है, तमाम दुनिया में नारी शक्ति काम कर रही है। सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर लेडीज़ हवाई जहाज़ चलाने लगी, गाड़ियाँ चला रही हैं, ऑफिस में बैठ रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं भी अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं डेवलपमेंट के अंदर, और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ रही है जो लेडीज़ की वजह से महसूस हो रही है। कोई नई बात तो है नहीं, जैसे दुनिया बढ़ रही उसी हिसाब से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दुनिया को संदेश दे रहा है, पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम मोदी ने कोनोक नेशनल पार्क में आज 8 नवीवीआई चीतों को रिहा करने के बाद कहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया लेकिन दर्शकों तक उनके पुनर्वास के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। आज एक नई ऊर्जा के साथ चीतों को पुनर्वास करना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा। देखिए ये चीता विलुप्त होती हुई फिर जाती है और भारत में पहले ही ये विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो गई थी। अच्छी बात है कि हमने, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने चीते लेकर आए और हमारे जंगलों के अंदर छुड़वाए हैं, और हम इसके खिलाफ नहीं है, होना चाहिए। और भी कोई ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो रही हैं, अगर जो हमारे यहाँ नहीं है, बाहर से लाई जा सकती हैं तो ले आए, लेकिन उसको एक इवेंट बना देना, उस पर इतना बड़ा हाइप बना देना, हम आपके चैनलों पे 2-3 दिन से चीते ही चीते तरफ सुन रहे हैं, इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है, बोर हो गए आप सब लोग। ऐसा लग रहा है कि चीता क्या आया है कि शायद महंगाई ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, किसान खुशहाल हो गए, लद्दाख से चीन ने अपनी सेनाएं हटा ली, पता नहीं क्या है चीता। इस चीता एक हर चीज़ की लिमिट होती है, ओवर लिमिट करने से वो चीज़ें अच्छी नहीं महसूस होती। आता कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पकौड़े दिवस के रूप में मनाया, बेरोजगार दिवस के रूप में, क्या कहना है मात्र? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान सबसे बड़ी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान में जो सर्विसेज दी जाती थी, जो नौकरियां दी जाती थी, वो अब ठेके पे देने लगी, नौकरी नहीं मिलती, और जब नौकरी नहीं मिलती तो उसमें फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठेके वाली कंपनीज जब चाहते हैं निकाल देते हैं, जब चाहते हैं रख लेते हैं, तो बेरोज़गारी चरम सीमा पे। हिंदुस्तान में शायद इससे पहले इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी ने ही ये कहा था कि रोज़गार तो पकौड़े बना के भी किया जा सकता है, तो अगर कोई पकौड़े बना के बेरोज़गारी दिवस मना रहा है तो हरज भी क्या है? अच्छा, हमने पिछले चुनाव में देखा कांग्रेस की हालत बड़ी पतली रही विधानसभा चुनाव में, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें, कितना सफल मानते हो कि कितनी सफल हुई है कांग्रेस की? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता सफल होगी या नहीं होगी। हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो कोशिश करे, जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याओं का हल करने की कोशिश करे। कांग्रेस पार्टी भी देश की बड़ी पार्टी है, वो अलग बात है कि इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। तो ये तो अंतर्यामी लोग ही बता सकते हैं या जोशी बता सकते हैं क्या होगा। मेरा ही इसमें एक सवाल हो रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वहीं बीजेपी में उनके कुछ सांसद चले गए हैं गोवा में, वो बीजेपी में चले गए। देखिए, बीजेपी का तो इतिहास है ये तोड़ना, अंडर द टेबल काम करना, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ख़त्म करता है। बीजेपी अगर ये कर रही है तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो यही काम करेंगे। लखीमपुर में एक दुष्कर्म का मामला एक और सामने आया है,
एक महिला के साथ युवती के साथ दुष्कर्म करने में दो आरोपियों को पकड़ा पड़े, उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। युवतियों की तो मौत हो गई थी, उन्होंने वो तो पेड़ पे लटकी हुई मिली थी, उनके साथ रेप भी हुआ था, दलित युवतियाँ थी। और जिन लोगों ने ये दुष्कर्म करा है, जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो मुसलमान हैं तो उनको चौराहों पे आधा आधा ज़मीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए, ये सजा है, ताकि कभी कोई दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे।